नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि हाल ही में 22 जनवरी को टाटा ने अपनी मोस्ट अवेटेड प्रीमियम हैचबैक अल्ट्रोस को लॉन्च किया है, उसकी प्राइस अनाउंस की है। अगर अभी तक आपने वो प्राइस अनाउंस का वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं आप सभी के लिए ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से उसे आप देख सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों जो भी प्राइसेस मैं कोट करूंगा वो सारे प्राइसेस एक शोरूम कॉस्ट मुंबई होंगे अपने शहर में। एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। एक ज़रूरी चीज़ यहां पर मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये वीडियो केवल और केवल उन कंज्यूमर्स के लिए है जो टाटा अल्ट्रोस का टॉप एंड वेरियंट यानी कि एग्जेड या एग्जेड ऑप्शनल वेरियंट खरीदना चाहते हैं। इस वीडियो का थंबनेल देखकर बहुत सारे लोगों को ये लगा होगा दोस्तों कि यहाँ पर मैं अल्ट्रोस की काफ़ी सारी बुराई करने वाला हूँ, कहीं से निचोड़ कर खुरेद कर और खींचातानी करके बहुत सारे नेगेटिव्स में अल्ट्रोस के यहाँ पर आपके सामने रखूँगा। तो ऐसा इस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इस वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं दोस्तों आप सभी को बता दूं कि ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने पहले से ही अपने लिए एक रिस्ट्रिक्शन की बाउंड्री बना के रखी है कि वो एक छोटी कार लेना चाहते हैं, उन्हें एक हैचबैक चाहिए जिसे कम टर्निंग रेडियस की वजह से ट्रैफिक में मोड़ना आसान होता है, ट्रैफिक में चलाना आसान होता है, पार्किंग के लिए छोटी गाड़ी होने की वजह से आसानी होती है। ऐसी कई सारी रिस्ट्रिक्शंस अगर आपने अपने लिए पहले से बना के रखी होंगी तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। दिस वीडियो इज प्योरली मेड फॉर द पीपल हु वुड लाइक टू बाय अ बेस्ट प्रोडक्ट और आउट ऑफ इट दे वुड लाइक टू नो अ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट विद द बेस्ट डील एंड बेस्ट पैकेज। ये वीडियो केवल और केवल उन्हीं के लिए है। इस वीडियो में हम अल्ट्रोस की प्राइसिंग को कंपटीशन के साथ में भी कंपेयर करेंगे और एक इम्पॉर्टेंट ख्याल में यहाँ पर यानी कि एक सुझाव या आप उसे कह सकते हैं कि एक लॉजिकल पैराडाइम मैं आपको देना चाहूँगा, यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहूँगा जिसे गारंटी के साथ में बता सकता हूँ कि पूरे YouTube पर आज तक अब तक किसी ने भी आपके साथ में ये ख्याल साझा नहीं किया होगा। मैं यहाँ पर प्रूफ करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि अल्ट्रोस एक बकवास कार है या अल्ट्रोस के कोई नेगेटिव्स मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जी नहीं। यहाँ पर मैं आपको एक वैल्यू फॉर डील बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप अल्ट्रोस का टॉप एंड वेरिएंट लेना चाहते हैं तो उसे ना लेते हुए आपको टाटा की नेक्सॉन को प्रेफर करना चाहिए। यहाँ पर हम टाटा की नेक्सॉन की प्राइस भी अल्ट्रोस के साथ में कंपेयर करेंगे, क्या फीचर्स मिलते हैं अल्ट्रोस में और उसके अलावा हमें नेक्सॉन में क्या फीचर्स मिलेंगे उसे भी कंपेयर करेंगे। अल्ट्रोस के कंपेरिजन में नेक्सॉन में क्या नहीं मिलेगा और अल्ट्रोस के कंपैरिजन में हमें नेक्सॉन में क्या वो फीचर्स मिल रहे हैं जिनकी वजह से हमें नेक्सॉन को चुनना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो अगर आप अल्ट्रोस लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि अल्ट्रोस वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है या नहीं, अल्ट्रोस के मुकाबले में आपको नेक्सॉन क्यों लेनी चाहिए या क्यों नहीं लेनी चाहिए, ये और ऐसे कई सारे सवाल अगर आपके जहन में भी हैं तो जानेंगे उन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि टाटा अल्ट्रोस के कंपटीशन की प्राइसिंग। जिस प्रीमियम सेगमेंट में टाटा ने अल्ट्रोस को लॉन्च किया है उस प्रीमियम सेगमेंट में ये गाड़ी कम्पीट करती है मारुति नेक्सा की बलेनो से और ह्युंडई की i20 इलाइट से। इन दोनों की प्राइसिंग हम यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं। बलेनो की अगर बेस वेरियंट पेट्रोल सिग्मा की प्राइसिंग हम देखें तो एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 5,59,000 तक मिलती है जो कि टाटा अल्ट्रोस के मुकाबले बेस वेरिएंट से 30,000 रुपीज़ महंगी आती है। वहीं अगर पेट्रोल में बलेनो का टॉप एंड वेरिएंट हम देखें अल्फा तो वो आपको मिलता है 7,58,000 रुपीज़ में जो कि अल्ट्रोस के टॉप एंड वेरिएंट से 10,000 रुपये सस्ता मिलेगा। वहीं डीजल की तरफ अगर हम मुड़ते हैं और बलेनो की बात करते हैं डीजल में तो डीजल में बलेनो सिग्मा का बेस वेरिएंट आपको आता है 6,69,000 में। वहीं पर अल्ट्रोस का बेस वेरिएंट डीजल में आपको मिलेगा 6,99,000 रुपीज़ में जो कि 30,000 रुपीज़ बलेनो से महंगा आता है। टॉप एंड में अगर बलेनो के डीजल टॉप एंड वेरिएंट की बात करें तो अल्फा जो कि टॉप एंड वेरिएंट है विच विल कम अप टू 8,68,000 रुपीज़। वहीं अल्ट्रोस का टॉप एंड वेरिएंट विल कॉस्ट यू 9,29,000 रुपीज़ जो कि 61,000 रुपीज़ बलेनो से महंगा है। पेट्रोल i20 की अगर हम बात करें तो बेस वेरिएंट है एरा जिसकी कॉस्ट स्टार्ट होती है 5,60,000 रुपीज़ से जो कि अल्ट्रोस के बेस वेरिएंट के मुकाबले 31,000 रुपीज़ महंगी है। एस्टा ऑप्शनल टॉप एंड वेरिएंट की बात करें पेट्रोल i20 में वो आपको मिलेगा 8,16,000 रुपीज़ से जो कि अल्ट्रोस कॉम्पिटिशन के मुकाबले 47,000 रुपीज़ महंगा आता है। वहीं पर i20 डीजल की अगर हम बात करें तो डीजल में एरा का आपको वेरिएंट मिलता है 6,98,000 रुपीज़ में जो कि
अल्ट्रोस से 1000 रुपये सस्ता है। वहीं एस्टा ऑप्शनल डीजल की i20 में बात करें हम तो वो आपको मिलेगी 9,41,000 रुपीज़ में, जो कि अल्ट्रोस के मुकाबले 12,000 महंगी है। प्राइस में थोड़ा बहुत प्लस माइनस होने के बावजूद भी अल्ट्रोस कई सारी जगहों पर आगे निकल जाती है बिकॉज इट्स ऑफरिंग इट्स फर्स्ट इन क्लास एंड बेस्ट इन सेगमेंट फीचर्स। कंपटीशन की प्राइसिंग डिफरेंस की अगर हम बात करें तो कई सारी जगह हैं जहां पर अल्ट्रोस की प्राइसिंग कंपटीशन से थोड़ी सस्ती है, कई जगहों पर ये एग्जैक्टली कंपटीशन के आसपास पहुंचती है तो कई जगहों पर ये कंपटीशन से महंगी भी है। अब जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि अल्ट्रोस के मुकाबले हमें नेक्सॉन क्यों लेनी चाहिए। अल्ट्रोस के अगर टॉप एंड वेरिएंट की हम बात करें, पेट्रोल में XZ वेरिएंट आपको मिलेगा 7,44,000 रुपीज़ में और XZ वेरिएंट ऑप्शनल में मिलेगा 7,69,000 रुपीज़, जो कि सेकेंड टॉप से 25,000 रुपीज़ महंगा आता है और जिसमें आपको ब्लैक कॉन्ट्रास्ट ड्यूअल टोन रूफ मिलेगा। उसके अलावा इन दोनों वेरिएंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो भी कंज्यूमर्स ये वीडियो देखने के बावजूद भी अगर अल्ट्रोस का टॉप एंड वेरिएंट XZ ऑप्शन लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि अननेसेसरी 25,000 रुपये ब्लैक कॉन्ट्रास्ट ड्यूअल टोन रूफ के लिए खर्च करने की बजाय उसे आप आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हैं, मुझे लगता है वो ज़्यादा सस्ता होगा आपके लिए। वहीं पर अगर हम नेक्सॉन की बात करें पेट्रोल में, तो नेक्सॉन का सबसे बेस्ट वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी पैकेज आपको यहां पर प्रोवाइड करता है वो है XM, जिसकी प्राइस है 7,70,000 रुपीज़, जो अल्ट्रोस के XZ वेरिएंट से 26,000 महंगा मिलेगा, लेकिन XZ ऑप्शनल जो वेरिएंट है अल्ट्रोस का उससे 1,000 रुपये सस्ता मिलेगा। डीजल की अगर हम बात करें तो अल्ट्रोस डीजल में XZ आपको मिलेगी 9,04,000 रुपीज़ की और XZ ऑप्शनल आपको मिलेगा 9,29,000 का। नेक्सॉन की अगर हम बात करें तो नेक्सॉन डीजल XM विल कॉस्ट यू 9,20,000 रुपीज़, जो कि 16,000 रुपये अल्ट्रोस के XZ ऑप्शन से महंगा है, लेकिन अगर टॉप एंड XZ ऑप्शन की बात करें अल्ट्रोस की तो वो उससे 9,000 रुपये सस्ता यानी कि 9,20,000 रुपीज़ में ही आता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक वेयर वी विल ट्राई टू फाइंड आउट एंड टू अंडरस्टैंड कि अल्ट्रोस के मुकाबले में हमें नेक्सॉन क्या बेहतर ऑफर करती है। जो भी कंज्यूमर्स अगर अल्ट्रोस का टॉप एंड वेरिएंट लेना चाहते हैं तो उनको पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि नेक्सॉन का जो XM वेरिएंट है उसमें हमें क्या कुछ मिलेगा। शुरुआत करते हैं एक्सटीरियर से। एक्सटीरियर में आपको दोस्तों मिल जाएंगे बॉडी कलर आउटसाइड डोर हैंडल्स, बॉडी कलर बम्पर्स आपको मिल जाएंगे, कॉन्ट्रास्ट पियानो ब्लैक, फिनिशिंग में OR बीम्स मिल जाएंगे विद टर्न इंडिकेटर्स। नेक्सॉन में आपको XM वेरिएंट में DRLs भी मिल जाएंगे। डोर साइड बॉडी क्लैडिंग्स आपको मिल जाएंगी जो आपके डोर्स को किसी भी स्क्रैच से बचाएंगी। नेक्सॉन में आपको रियर स्पॉयलर विद LED हाई माउंटेड स्टॉप लैंप भी मिल जाएगा, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको मिलेंगे, LED टेल लैंप्स मिलेंगे और व्हील आर्च क्लैडिंग मिल जाएगी। वहीं पर अगर हम इंटीरियर की बात करें तो चारों दरवाजे में आपको 1 लीटर के लिए बॉटल होल्डर का पॉकेट मिल जाएगा। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील आपको नेक्सॉन के XM मॉडल में मिल जाएगी। 15 लीटर का मल्टी यूटिलिटी ग्लव बॉक्स मिलेगा विद 2 कप होल्डर्स, वॉलेट होल्डर और विजिटिंग कार्ड या क्रेडिट कार्ड होल्डर जिसमें आपको अवेलेबल होगा। नेक्सॉन XM के इंटीरियर में आपको 100% फ्लैट फोल्ड रियर सीट मिलेगी। 350 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलेगा। उसके अलावा अगर आप बूट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो एक कंप्लीट फ्लैट बेड फ्लैट फोल्ड आपको रियर सीट यहां पर अवेलेबल है। नेक्सॉन के XM वेरिएंट में आपको फ्रंट डोर्स के पॉकेट में अम्ब्रेला होल्डर्स के लिए एक स्लॉट मिल जाएगा। इंटीरियर की हम बात कर ही रहे हैं तो चलते चलते ये भी जान लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंट पैनल में आपको क्या मिलेगा। उसी में आपको मिल जाएगा डिस्टेंस टू एम्प्टी, गियर शिफ्ट इंडिकेटर और इंस्टेंट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी आपको मिल जाएगी। इंफोटेनमेंट की जहां तक बात है दोस्तों, इसमें आपको 4 स्पीकर मिलेंगे, AM/FM USB ऑक्सिन आईपॉड कनेक्टिविटी अलॉन्ग विद अ ब्लूटूथ मिल जाएगा। इसमें आपको कॉल लॉग्स भी देखने को मिल जाएंगे और कॉन्फ्रेंस कॉल भी आप कर सकते हैं। कनेक्ट नेक्स्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम बाय हार्मन कार्डन आपको मिलेगा। और कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की जहां तक बात है दोस्तों, आपको एडजस्टेबल फ्रंट सीट हेडरेस्ट मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs यहां पर मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग विद टिल्ट का ऑप्शन आपको मिलेगी, ऑल 4 पावर विंडोज मिलेंगे, मैनुअल AC विद अ हीटर मिलेगा एंड मल्टी ड्राइव मोड्स जो कि आते हैं इको, सिटी और स्पोर्ट्स मोड में। अब मुड़ते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ दोस्तों की सेफ्टी में आपको नेक्सॉन का XM वेरिएंट क्या ऑफर करता है। नेक्सॉन के XM वेरिएंट में आपको सेफ्टी के तौर पर मिलेंगे ड्यूअल एयरबैग, ABS+ EBD,
ब्रेक डिस्क वाइपिंग, इलेक्ट्रिक ब्रेक प्रीफिल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम यहाँ पर आपको मिलेगा, उसके साथ में आता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल, इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट, हील होल्ड कंट्रोल और रोल ओवर मिटिगेशन जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं दोस्तों। उसी के अलावा आपको मिलेंगे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लोबल एनकैप 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग्स मिलती है। ये सारी चीज़ों के साथ में बहुत सारे और भी छोटे मोटे फीचर्स आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिलते हैं, जिनकी गहराई में यहाँ पर मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन इन सारी चीज़ों की वजह से नेक्सॉन अल्ट्रोस के मुकाबले एक बहुत ही ज़्यादा बेहतर वैल्यू फॉर मनी पैकेज के रूप में यहाँ पर उभर कर आती है। दोस्तों अब नज़र डालते हैं कि अल्ट्रोस के मुकाबले नेक्सॉन में आपको क्या कुछ नहीं मिलेगा। अल्ट्रोस में आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलेंगे टॉप एंड में, जो कि नेक्सॉन के XM वेरिएंट में नहीं मिलेंगे। अल्ट्रोस में आपको 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम मिलेगा, जो कि अल्ट्रोस के XM में आपको नहीं मिलेगा, उसमें एक छोटी स्क्रीन मिलेगी आपको। अल्ट्रोस में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं, जो कि नेक्सॉन के XM वेरिएंट में नहीं मिलेंगे। अल्ट्रोस में आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन भी मिलता है, जो कि आपको नेक्सॉन के XM वेरिएंट में नहीं मिलेगा। 90 डिग्री वाइड एंगल ओपनिंग डोर्स आपको अल्ट्रोस में मिलते हैं, जो नेक्सॉन में अवेलेबल नहीं होंगे। आइडल स्टॉप एंड स्टार्ट का फंक्शन आपको नेक्सॉन में देखने को नहीं मिलता, जो कि अल्ट्रोस में अवेलेबल करवाया गया है। इंजन पुश स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन आपको अल्ट्रोस के टॉप एंड वेरिएंट में मिलेगा, जो कि नेक्सॉन के XM वेरिएंट में अवेलेबल नहीं होगा। अल्ट्रोस में आपको टॉप एंड वेरिएंट में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, जो कि नेक्सॉन के XM वेरिएंट में नहीं मिलेगा, हालांकि वहां पर मैनुअल एसी और हीटर आपके लिए डेफिनेटली अवेलेबल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि अल्ट्रोस में आपको कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल प्रोग्राम मिलता है, जो कि नेक्सॉन के XM वेरिएंट में नहीं मिलता, लेकिन उसके अलावा कई सारे इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर्स आपको नेक्सॉन के XM वेरिएंट में मिल जाते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड अनदर फीचर विच यू वोंट गेट इन अल्ट्रोस, यू वोंट गेट इन टू नेक्सॉन बट यू गेट इन टू अल्ट्रोस, जो कि है फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट विद अ स्टोरेज स्पेस। ये आर्मरेस्ट आपको नेक्सॉन में देखने को नहीं मिलेगा, वो आपको अल्ट्रोस में मिल जाता है। तो यहाँ पर आप दोस्तों आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपको अल्ट्रोस में मिल जाते हैं, लेकिन वो नेक्सॉन में नहीं मिलते। उन सारी चीज़ों को अगर आप नेक्सॉन के लिए एडजस्ट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि नेक्सॉन एक बहुत ही ज़्यादा मच्योर प्रोडक्ट, एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट, एक बेहतर पैकेज और डील की तौर पर उभर कर आता है, क्योंकि नेक्सॉन में आपको एक बहुत ही बड़ी गाड़ी मिलती है। डेफिनेटली देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ हैचबैक एंड अ सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV। ज़्यादा स्पेस मिलेगा, ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा। नेक्सॉन में आपको अल्ट्रोस के मुकाबले बेहतर इंजन मिलता है, बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा, बेहतर बिल्ड क्वालिटी, बेहतर राइड एंड हैंडलिंग मिलेगी। और इन सारी चीज़ों के बावजूद कई सारे ऐसे सेफ्टी फीचर्स हैं जो इसे टॉप नॉच बनाते हैं, जो आपको अल्ट्रोस में सेम अमाउंट खर्च करने के बावजूद भी नहीं मिलते। जैसे कि ब्रेक डिस्क वाइपिंग आपको अल्ट्रोस में नहीं मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल आपको अल्ट्रोस में नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसा प्रोग्राम आपको अल्ट्रोस में देखने को नहीं मिलता है, ना ही आपको ट्रैक्शन कंट्रोल अल्ट्रोस में मिलेगा। इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट का ऑप्शन भी आपको नेक्सॉन के XM वेरिएंट से अवेलेबल हो जाता है, जो कि अल्ट्रोस के टॉप एंड वेरिएंट में भी नहीं मिलता। मूव ऑन टू द नेक्स्ट, हील होल्ड कंट्रोल और रोल ओवर मिटिगेशन जैसे इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको नेक्सॉन के XM वेरिएंट से स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि अल्ट्रोस का टॉप एंड वेरिएंट लेने के बावजूद भी आपको नहीं मिलते। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप ये चीज़ें समझ गए होंगे कि जितनी अमाउंट आप अल्ट्रोस के टॉप एंड वेरिएंट के लिए खर्च कर रहे हैं, यानी कि अगर आप पेट्रोल में वेरिएंट लेते हैं अल्ट्रोस का, तो आपको 7,69,000 रुपीज़ देना पड़ेगा, और डीजल में अल्ट्रोस का वेरिएंट जाएगा आपको 9,29,000 में। सेम अमाउंट में नेक्सॉन का अगर आप XM वेरिएंट खरीदते हैं, नेक्सॉन का पेट्रोल XM वेरिएंट आपको मिलेगा 7,70,000 रुपीज़ में, और डीजल में मिलेगा 9,20,000 रुपीज़ में। हर हाल में ये गाड़ी अल्ट्रोस से कई मायनों में बेहतर है। बेहतर बिल्ड क्वालिटी मिलेगी, बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा, बेहतर राइड एंड हैंडलिंग मिलेगी, बेटर पावर आउटपुट मिलेगा, बेटर कंफर्ट मिलेगा, बेटर सस्पेंशन मिलेंगे। 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो अल्ट्रोस से बेहतर है। अल्ट्रोस में आपको टिगोर और टियागो में जो डीजल इंजन आता है, जो इंजन मिलते हैं, वही मिलेंगे। यहाँ पर आपको नेक्सॉन में एक बेहतर पावर आउटपुट और एक बेहतर परफॉर्मिंग इंजन मिलेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आप
अपने लिए अल्ट्रोस की जगह पर सेम अमाउंट में नेक्सॉन का XM वेरिएंट लेकर एक बेहतर प्रोडक्ट, एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज और एक बेहतर डील आपके लिए चुनेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।